नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मनी मेकर्स में। आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। आने वाले वीक में मंडे को निफ्टी कैसा रिएक्ट करेगा और क्या व्यू है हमारा ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। फाइन, तो उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ये पर्टिकुलर वीडियोज़ की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा शो होगा, वहाँ पे आप शो मोर में जाके आप देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, फेसबुक पेज की लिंक मिलेगी, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको पूरे प्रीवियस डेटा मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जो भी हमारे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट है, जो भी क्लाइंट्स को कॉल्स हमने प्रोवाइड किए, बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग की कॉल्स, वो सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और एलआईएस ब्लू पार्टनर यहाँ पे है हमारा, एलआईएस ब्लू में फ्रेंचाइजी है, आपको ये लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करना होगा एलआईएस ब्लू में। उसके बेनिफिट्स क्या है, आपको बैंक निफ्टी के कॉल्स मिलेंगे, जहाँ पे आपको मोर देन 50 पॉइंट्स आपको प्रॉफिट मिल सकता है आराम से। हमने जो कॉल्स प्रोवाइड किए वो 50 पॉइंट्स से भी ऊपर जाते हैं, 100 पॉइंट्स तक भी जाते हैं, तो प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल सकता है वहाँ पे। और डेली ट्रेडिंग के कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। फाइन, इक्विटी कॉल्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए हो तो। और पीएमएस सर्विस है हमारी, आपको चार्जेस भी होंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी पीएमएस सर्विस है, कैश कॉल्स है विथ एफएनओ, यहाँ पे कुछ चार्जेस है। और बैंक निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि बैंक निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी पर अगर आपके पास फंड है तो आप ऑब्वियसली इसे ऑप्ट कीजिए। यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज़ मिनिमम रिक्वायर्ड है, मेरी टीम आपका अकाउंट हैंडल करेगी और आपको 10-25% प्रॉफिट मंथली एक्सपेक्टेशन आप आराम से रख सकते हो हमारे थ्रू। फाइन, मेरी टीम आपके बिहाफ पे ट्रेड करेगी, आपको खाली डेली ट्रेड्स अपने मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू आपको देखने होंगे। तो चलिए, और सारे अपडेट्स आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे यहाँ पे। और अगर आपको बैंक निफ्टी हेजिंग स्ट्रेटेजी नहीं भी करनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक निफ्टी के कॉल्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे, आपको बस अकाउंट ओपन करना होगा एलआईएस ब्लू में ये लिंक के थ्रू। फाइन, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं चार्ट्स पे, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। ये देख सकते हो आप एलआईएस ब्लू का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियोस है उसके थ्रू आप अपडेटेड रहें। फाइन, तो निफ्टी ने मैनेज किया है, सपोर्ट लेवल से रिकवर किया है उसने, एंड जो इमीडिएट सपोर्ट था उसका आप देख सकते हो यहाँ पे, जो इमीडिएट सपोर्ट था उसका वो 950 था, उसे होल्ड किया एंड वहाँ से स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने मिली है टूवर्ड्स 11,085 लेवल। फाइन, आप देख सकते हो 950 से जो निफ्टी ने सपोर्ट लिया उसका जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी का रिजल्ट आया 11,085 लेवल को उसने टच किया है। इंडेक्स ने बुलिश कैंडल सिमिलर टू अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ऑफ द डेली चार्ट, इंडेक्स ने बुलिश कैंडल फॉर्म किया आप देख सकते हो यहाँ पे। ये बुलिश कैंडल एनगल्फिंग पैटर्न हम इसीलिए कह रहे हैं, फिलहाल तो हम वीकली चार्ट पे, मैं आपको डेली चार्ट पे लेके जाके बताना चाहूँगा। आप देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, फाइन, इसे हम सिमिलर टू बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं, बिकॉज ये कैंडल ने प्रीवियस डे का जो लो था उसे तोड़ दिया था और भी नीचे जा चुका था करीब। आप देख सकते हो प्रीवियस डे का जो लो था वो 10,964 था और निफ्टी जा चुका था 945 तक, तो प्रीवियस डे को लो को टच करके तोड़ के वो और ऊपर जा रहा है, रिकवर किया उसने 11,085 तक। फाइन, तो ये जो पैटर्न है कैंडल पैटर्न, हमें इसे सिमिलर टू बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं, और उसने प्रीवियस डे का जो हाई था उसके अबाव क्लोज करने की कोशिश की। आप देख सकते हो प्रीवियस डे का हाई था समथिंग 11,081 और निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है यहाँ पे 11,075, बट प्रीवियस क्लोज था उससे ऊपर ही क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होता है निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए। द इंडेक्स फॉर्म्ड अ बुलिश कैंडल ऑन द वीकली चार्ट्स। फाइन, अभी हम यहाँ पे आते हैं वीकली चार्ट्स पे, आप देख सकते हो वीकली चार्ट्स पे ये जो कैंडल ने फॉर्मेशन दिया है पूरा बुलिश कैंडल है, होल्डिंग अबाउ इट्स फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन विच इंडिकेट्स मोर पुल बैक आफ्टर द रिसेंट बाइंग इंटरेस्ट। आप देख सकते हो कि ये जो सप्लाई ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, फाइन, ये आप एक सपोर्ट लेवल मान के चलिए, ये जो चीज़ है ये सप्लाई ट्रेंड लाइन से जो सपोर्ट लेके निफ्टी ने
जो पुल बैक दिया है, करीब 350 पॉइंट का पुल बैक दिया है निफ्टी ने, 10,750 से लेके 10,750 से लेके उसने नया हाई बनाया है करीब 11,085 लेवल का। तो ये जो 350 पॉइंट की रिकवरी हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसके साथ साथ जो बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, रिसेंट बाइंग इंटरेस्ट मार्केट में, ये हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट और भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। और निफ्टी का जो लेवल्स मैं आपको बता दूं कि निफ्टी को जो मेन रेजिस्टेंस अभी फियर करेगा वो है 11,110, 11,150। अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो आपका जो बुलिश मोमेंटम है वो और 100-200 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए निफ्टी एक टफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 11,110 और 11,150। अभी निफ्टी 11,100 के नीचे है और अगर निफ्टी को 11,150 टच करना है तो उसे मंडे को 11,000 के ऊपर ही ट्रेडिंग करना होगा। अगर आपका निफ्टी 12:30 या 1 बजे तक 11,000 के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, आप समझिए 11,020 से लेके 11,080 के बीच में ट्रेडिंग कर रहा है, तो आप 100 पॉइंट्स का अपवर्ड मोमेंटम और एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं टूवर्ड्स 11,110 एंड 11,150। और अगर ये ट्रेंड आता नहीं है, ये मोमेंटम अगर जल्दी कैच नहीं होता, 11,110 और 11,150 का जो रेजिस्टेंस है अगर वो ब्रोक नहीं होगा, तो वहाँ से निफ्टी वापस एक रेंज में घूमने लगेगा। और वो रेंज आपका क्या होगा, आप देख सकते हो 10,950 से लेके 11,150 के बीच में निफ्टी घूमने लगेगा। तो इसीलिए निफ्टी का 11,110 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। If Nifty holds above 11,000 on Monday to witness a move towards its next major resistance of 11,150 and then 11,210 levels. Once Nifty crosses 11,150, हम लोग आराम से 11,210 charts पे देख सकते हैं। And downward side में जो Nifty का support रहेगा, वो रहेगा 10,950 and 10,880. फाइंड, ये 950 और 880 का लेवल आप कब में देखोगे, जबकि आपका 11,000, अगर निफ्टी मंडे को आपका 11,000 ब्रोक डाउन कर देता है और क्लोजिंग भी वो 11,000 के नीचे देता है मंडे को, तो आप जल्दी 10,950 और 10,880 देख सकते हो चार्ट्स पे। लेकिन मोमेंटम के हिसाब से निफ्टी को क्लोजिंग डाउनवर्ड्स की तरफ देना ही नहीं है, इसे ऊपर ही जाना चाहिए। और चार्ट्स जो सजेस्ट कर रहे हैं कि इसका क्लोजिंग हाई पे हाई होना चाहिए, एंड लेट्स सी ऑन द मंडे। और अगर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको सारे अपडेट्स वहीं पे मिल जाएंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, जो भी हमारा मार्केट व्यू रहेगा आपको वहीं पे मिल जाएगा उसी पर्टिकुलर डे में मॉर्निंग में। फाइन, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, इट्स फ्री फॉर ऑल। And if you want free bank nifty hedging calls, intraday calls, not hedging calls, for hedging you have to go for minimum 50,000 rupees and my team is ready to trade on your behalf. But I would suggest you can minimum you can go for the bank nifty free calls. You just have to open an account in LIS Blue and trade. You will be getting free calls in bank nifty where you can earn daily 2,000 to 5,000 rupees. Fine. Thank you guys. Happy trading, happy investing. Don't forget to like and subscribe the channel Stock Money Makers.